Chetasa sarva karmani mayi sanyasya matparaha buddhi yogam upashritya machitta satatam bhava Majjita sarva durgani Mad prasadanta rishyasi Atha cheta mahankaran Nashosyasi vinankshasi Yadahankaramashritya Nayodse iti manyase Mithyesha vivasayaste Prakratistvam niyokshati Svabhavajena kaunteya Nibaddha svena karmana Kartum nechasi yan mohan Karishyasya vashopitata Ishvara sarvabhutanam Raddeshirjuna tishthati Brahmayan sarvabhutani Yantrarudhani Mayaya Tameva Sharanam Gaccha Sarvabhavena Bharata Tat Prasadat Param Shantim Sthanam Prapsyasi Shashvatam Idam te jnanam akhyatam Guyyat guyyataram maya Vimraishe tadashesheda Yathe chasita thakuru Sarva guyyatamam bhuyaha Shudume paramam vachaha Ishtu sime dhadamiti Tato vakshami tehitam Manmana bhavamad bhakto Madhyaji maam namaskuru Māme vaiśyasi satyam te Pratijāne priyosime Pratijāne priyosime Svabhāvajina Shaulyādina Yathoktena kaunteya nibaddhau nishchayena baddhaha svena atmiyena karmana kartum na ishyasi yatkarma mohad avivikatah karishyasi avasha api paravasha eva tat karma ishvaraha ishanashilaha narayanaha sarvabhutanam sarvapraninam हृदयेशे हृदयेशे अर्जुन शुक्लांत शुक्लांत रामस्वभावः विशुद्धांत करणः इति अहमश्च कृष्णम् अर्जुनम् च इति दर्शनात् तिष्ठति स्थितिम् लभते स कथम् तिष्ठति इति आह ब्राह्मयन् ब्रह्मणम् कारयन् सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानि यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्दः अन्नः द्रष्टव्यः यथा दारुकृत पुरुषादीनि यंत्रारूढ़ानि मायया छद्मना भ्रामयन् तिष्ठति इति संबंधः। तम एव ईश्वरम शरणम आश्रम संसारार्थी हरणार्थम गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मा हे भारत ततः तत्प्रसादात् ईश्वर अनुग्रहात् पराम प्रकृष्टाम शांतिम पराम उपरतिम स्थानं च मम विष्णुः परमं पदम अवाप्स्यसि शाश्वतम नित्यम इति एतत्ते तुभ्यं ज्ञानम आख्यातम कथितम गुह्यात गोप्यात गुह्यतरम अतिशयेन गुह्यम रहस्यमित्यर्थो मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमृश्य विमर्शनम आलोचनम कृत्वा एतद् यथोक्तम शास्त्रमशेषेण समस्तम यथोक्तम च अर्थजातम यथा इच्छसि तथा कुरु। यदहंकारम आश्रित्य न युत्से इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियुक्षति। चर्चा का जो विषय था वो ये था कि क्या जीव को कर्म स्वातंत्र की जो सीमा है वह सीमा कितनी है, क्योंकि शास्त्र में ही दो ऐसी विरोधी बातें मिलती हैं कि एक तरफ ईश्वर बोलते हैं कि जीव को कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, एक तरफ ये कहा जाता है कि प्रकृति स्वाम नियोक्षति, प्रकृति तुमको बलात् उस ओर क्या कर देगी, लगा देगी। ये चर्चा का विषय था। कल मैंने इसका एक निचोड़ आपके सामने रखा कि सीमा का निर्वचन किया नहीं जा सकता, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि सीमा नहीं है, सीमा तो है। मतलब एक जगह प्रकृति समाप्त होती होगी तो एक जगह फिर कहीं अपने कर्म प्रारंभ होते होंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन कोई यदि ये कोशिश करे कि मैं एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर ये बता दूं कि यह आपका कर्म है और ये आपकी प्रकृति, तो बोले इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। वेदांत ने इस ख्याति को इसलिए कहा कि यह निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय। अब इस रहस्य को इस तरीके से सुलझाया गया कि कल एक शब्द आया स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। व्यक्ति जो निबद्ध दिखता है वो अपने स्वभाव के कारण ही निबद्ध दिखता है। दूसरी पंक्ति है अपने स्वभाव के कारण ही वह स्वकर्म करता है, मतलब स्वकर्म का जो हेतु बना वो क्या बना, स्वभाव। ठीक है ना, स्वकर्म का जो हेतु बना वो बना स्वभाव। अब इस स्वभाव शब्द को अच्छे से चित्त में बैठा लेना चाहिए। स्वभाव को मैं अगर ऐसे ऐसे शब्द कहूं तो ये अधूरे शब्द होंगे, यदि सिर्फ वासना कहा जाए तो यह भी अधूरा शब्द है। सिर्फ वासना कहा जाए तो यह अधूरा शब्द है, यदि ये कहा जाए कि त्रिगुण है तो भी ये अधूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ना तो आप त्रिगुण कह सकते हैं, ना तो प्रारब्ध कह सकते हैं, ना तो वासना कह सकते हैं। इन शब्दों से परहेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों में कि कुछ न कुछ चीजों की क्या है, कमी है।
संभवतः व्यक्ति कभी कह देता है कि जीवन जो चल रहा है वो वासना अनुसार चल रहा है। तो यदि वो कहता है कि सिर्फ वासना अनुसार चल रहा है तो फिर अभी बहुत सारी चीजों के उसको उत्तर क्या करेंगे, देने पड़ेंगे। यदि सिर्फ कोई कहे कि जो स्थिति प्राप्त है वह त्रिगुणों के कारण है, तो सिर्फ त्रिगुण कहे जाएं तो भी बात अधूरी रह जाती है। प्रारब्ध कह दिया जाए तो भी कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छी जो व्याख्या है वो शब्द यह है, पूर्व जन्म के अर्जित कमाई, इसमें कोई क्षय नहीं रह जाता, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्मों से अर्जित कमाई, अब इसमें सब कुछ आ गया, त्रिगुण भी आ गया, वासना भी आ गई, प्रारब्ध भी आ गया, हो गया, त्रिगुण भी है, वासना भी है और प्रारब्ध भी है। तो एक शब्द ले लीजिए, पूर्व जन्मों से अर्जित कमाई, और इसी शब्द को क्या कह दिया गया, स्वभावजेन। इसको आप सरल तरीके से सामान्य दृष्टि से अगर देखो, आप आखिर सभी की प्रतिक्रियाओं में अंतर क्यों है, ऐसा इसका अनुसंधान करें। एक ही परिस्थिति में सभी की प्रतिक्रियाओं में अंतर क्यों है, मतलब परिस्थिति एक है, चलो ऐसा समझ लें भैया, कक्षा तो एक ही है, पढ़ाने वाला व्यक्ति भी एक ही है, स्थल भी एक ही है, शास्त्र भी एक ही है, जो मैं अपनी प्रतिक्रियाएं देता हूं वह प्रतिक्रियाओं में सबके विषमता है, ये तो पक्की बात है। अभी भी किसी विषय पे आप प्रतिक्रिया देने को कहें तो बहुत मुश्किल होगा कि किन्हीं दो चार लोगों की प्रतिक्रियाएं आपस में, सबकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब सबकी प्रतिक्रियाओं में विषमता का कारण क्या होगा, फिर भाई यदि चीनी मीठी है तो सबको मीठी लगनी चाहिए, परिस्थिति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, तो फिर अनुभव भी सबको क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो सबकी प्रतिक्रियाओं में, सभी के रिस्पॉन्सेज में अंतर होगा। और आपको दिखाऊं, यहां का छोड़ो, एक ही मां बाप के दो पुत्र होंगे, एक ही मां बाप के दो पुत्र होंगे और उनके रिस्पॉन्सेज में अंतर होंगे, अब क्या कहेंगे, दो बहनें हों, दो भाई हों, उनके रिस्पॉन्सेज में अंतर होंगे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी जितनी मुंडियां हैं उतनी सबकी क्या है, मति है। तो ये खोजने की आवश्यकता है कि आखिर इनकी इस प्रतिक्रियाओं में विषमता का कारण क्या है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहा है वो पूर्व जन्मों से अर्जित कमाई को लेकर बैठा है, मतलब आप ऐसा समझे, अध्यात्म में कभी कभी संत लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि बंदूक लैस होती है ना, क्या बोलते हैं उसमें जो भरा जाता है बारूद, गोली है ना, ऐसे ही जो गन है वो लोडेड जो गन होती है उससे बहुत खतरा होता है, लोडेड गन से ये खतरा है कि वह चलान जिसके पास वो है संभव उसको भी वो मार सकती है या किसी और को भी मार सकती है, क्योंकि वो क्या है, लोडेड है। हम लोग ये जो चलते फिरते हैं ना, आप समझ लो पूर्व जन्म के वासना त्रिगुण प्रारब्ध से क्या है, लेस,
लेस है। यही नहीं, कहीं और प्रतिक्रिया दिला लीजिए, वहां प्रतिक्रिया दिख जाएगी। ये कहना कि प्रतिक्रिया का आधार आपकी पढ़ाई है, इतनी सच्चाई नहीं है। और बताएं, इस पढ़ाई को भी जिस सांचे में आपने बैठा ला, वो सांचा कहां से आया? वो सांचा कहां से? बोले आपके पिछले के कारण। अब इसमें ये कहां रह जाता है? सोचो, दोष आप चिंतन में कुछ कमी रह जाए तो आप सोचिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं में अंतर का कारण पूर्व जन्म के अर्जित संस्कार है, ना कि वर्तमान परिस्थिति। भाई, कोई वैश्य संस्कारों को लेकर पैदा हुआ हो, छात्र संस्कारों को लेकर पैदा हुआ हो, ब्राह्मण संस्कारों को लेकर पैदा हो, या शूद्र को लेकर पैदा हो, और आप उससे ब्राह्मण की प्रतिक्रिया की अपेक्षा करो, तो गलती किसकी है? फिर गलती आपकी है। अच्छा, हमने क्यों अपेक्षा की? हमने अपेक्षा इसलिए कर दी, हमने सोचा कि हमने गीता पढ़ी तो इसने भी क्या की। लेकिन इसने जो गीता को अपने दिमाग में बैठाला है, ये इसके सांचे अलग अलग है। संभव है इसी को कोई दुष्ट स्वभाव में भी इसका विनियोग कर सकता है। किसको? इसी गीता को अपने स्वार्थ के लिए भी प्रयोग कर सकता है। तो जो ब्राह्मण स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, वैश्य स्वभाव, ये जो स्वभाव लेकर पैदा हुए महाराज, ये मरण तक नहीं जाता। जब तक कि व्यक्ति का शरीर का अस्तित्व यहां समाप्त, मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे वह दंडी स्वामी, चाहे वह सन्यासी ही क्यों ना हो जावे, आप उस स्वभाव में हेर फेर बड़ी दबी जवान से। ऐसे ही हम लोग कभी प्रणाम कर रहे थे स्वामी तेजोमयन जी को, सन्यास के बाद की बात कह रहा हूं आप, तो बड़े दुखी मन से एक बात, अब क्या कर, दुखी मन से कहा जाए, विवशता कही जाए, तो एक बात कही सबको, जो 8-10 लोग थे, भले ही वस्त्र मिल जाते हैं लेकिन व्यक्ति के संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता। अब उन्होंने तो उसको हल, अब इतना गंभीर बोलते तो सब फिर मामला गड़बड़ हो जाता। लाल वाला बोले, लाल आंख दिखाता है, जो लाल पहन ले वो लाल आंख मुझको दिखाता है, पीली वाली पीली आंख दिखाता है, सफेद वाला सफेद आंख, हर आदमी आंख दिखाता जरूर है, लेकिन अब जिसने जो पहना बोले वो दिखाता है। व्यवस्था ये थी, वो ये कह रहे थे कि व्यक्ति संस्कारों में परिवर्तन, कोशिश की जा रही है कि संन्यास लेने से भी आपके संस्कारों में परिवर्तन आ जाए, कोशिश की जा रही है। आप कह रहे थे कि कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कह, अगर बहुत अच्छे ढंग से कोशिश नहीं की गई तो ये स्वभाव महाराज परिवर्तन होता नहीं है, बस इधर उधर कवरिंग हो सकती है। तो बोले फिर होगा क्या? अब ये आगे जन्म के लिए आपके लिए क्या हो रहा है? मटेरियल तैयार हो रहा है। कहो, इस जन्म में अभी जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो तो किसके आधार पे दे रहे हैं? पुराने। तो आधे से ज्यादा जीवन के हिस्से में प्रतिक्रिया को देने वाली जो चीज है वो कौन है? वो हमारा स्वभाव है। अब स्वभाव मतलब समझ लीजिएगा, ये जो चार बताए गए थे ये स्वभाव थे आपके। एक व्यक्ति को चटक मटक नहीं पसंद है, वो शांति चाहता है, स्वाध्याय चाहता है, अपना पढ़े लिखे शांति से पढ़ा रहे, तो वो दूसरा स्वभाव बन गया। एक राजसिक स्वभाव चाहता है, बोले यही 24 घंटे क्या होता है, कुछ तो जीवन में एंजॉय लग्जरी होनी चाहिए, तो अब देखो वो किस में आ गया? रजोगुण में आ गया।
भले अभी आप झूठे मन से कह दें, सभी को शांति भी नहीं प्रिय है। 24 घंटे सभी को शांति भी प्रिय नहीं है। उसके मन में आता है कि कुछ तो क्या करना चाहिए। मतलब ऐसा बच्चे लोग बोलते हैं, कुछ फन होना चाहिए लाइफ में। अब फन होना चाहिए इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि जो शांति की सत्व की स्थिति बनी है इसको बिगाड़कर थोड़ा उसमें रजोगुण का मिश्रण ठीक है, उसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये प्योर सत्व गुण का माल नहीं, क्योंकि इसमें रजोगुण क्या है, मिश्रित है। और रजोगुण के ही दो भाग हो गए, रजोगुण के ही दो भाग हो गए। रजोगुण के दो भाग क्या हो गए? एक तो राजसिक ये हो गया जो क्षत्रिय राजसिक है, लेकिन जो वैश्य राजसिक है, वैश्य राजसिक के पीछे तामसिक का सपोर्ट है, क्षत्रिय राजसिक के पीछे सत्व का सपोर्ट है, और तामसिक वैश्य राजसिक के पीछे हाँ। अब उनके रजस और इनके रजस में अंतर होगा। महाराज सब चीजें छूट सकती हैं लेकिन संग्रह नहीं छूट सकता, ये वैश्य का धर्म। आप कुछ भी कर लो, आप ब्राह्मण के व्यक्तित्व पर उंगली उठाएं तो बोले सब कुछ कर सकता है, लेकिन वैश्य के व्यक्तित्व पे आप उठाएं तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो कहेगा कि मैं आपको दे कुछ नहीं सकता, ये पक्की बात है। देखो अभी ये पक्का देखता है कि यह रजोगुण के पीछे तमोगुण इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब ये कमाया, मतलब अभी नहीं कमाया है, ये कब से लेके आ रहे हैं, ये पूर्व जन्म से लेके आ रहे हैं। तो एक एरिया ये मेरे ख्याल से आपको समझ में, अभी इसलिए मैं कह रहा हूं व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं अलग हैं, और कह दूं और सरल भाषा में व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग है। व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग है। आप एक ही स्थल पर सबको ले जाइए, क्या सबकी इच्छा एक जैसी होगी? करके देखना आप कभी भीड़ में ये चीजों को अनुभव करना। कोई शांत बैठना चाहेगा, कोई थोड़ा धींगा मस्ती करना चाहेगा, कोई सोचेगा कि यहां से धनार्जन कैसे कर सकते हैं, कोई सिर्फ सोना चाहेगा, कुछ कर्म नहीं करना चाहेगा। तो अब देखो चारों के गुण आ गए कि नहीं आ गए। तो व्यक्ति की इच्छाएं और व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं, दो चीजें पर मैं बोल रहा था। इच्छाओं पर भी नियंत्रण किसका है? स्वभाव का है। व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं पर भी निमंत्रण किसका है? स्वभाव, मतलब क्या हो गया। और यहां पर कोई व्यक्ति माई का लाल ऐसा नहीं है जो स्वभाव को लेकर पैदा। ध्यान रखें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम हमने दे दिया, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी सत्व रज तम तो उसके अंदर भी मसाला तो होगा ही होगा, तो वहां पे भी कुछ थिंक सोचने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं। तो आप उनको हमारी भाषा में क्या कहोगे? वो सत्वगुणी प्रधान है। कुछ सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग हैं तो आप समझ लेना रजोगुण है। कुछ अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं तो आप समझ लेना वो ईश है। कुछ सर्विस सेक्टर के लोग हैं वहां समझ लेना वो चारों लोग हैं। नाम दे लो, और वेद को नाम में कोई अभिप्राय नहीं है, नाम कुछ भी दे लो, मसाला बदल लो तो जान जाए। इस दृष्टि से व्यक्ति को कितना स्वातंत्र है, ये मूल प्रश्न था। अब प्रतिक्रियाओं को देने में स्वतंत्र है क्या वो? सोच के देखो आप, नारद से लेकर वाल्मीकि सबको ले लो आप, नारद से लेकर वाल्मीकि सबको उठा लो,
सबकी प्रतिक्रियाओं के पीछे व्यक्ति क्या कहेगा, ये हो गया, ये दिमाग में आ गया, क्यों आया ये, ये नहीं बता सकता। गीता उत्तर देती है, ये इसलिए है क्योंकि आपने पूर्व जन्म का बना के सब कुछ रखा है। इसमें भेद है, तो एक सीमा में यहां समाप्त करता हूं। यहां पर आपका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसमें रह जाता है कुछ, इसमें प्रश्न रह जाता है कोई? प्रतिक्रियाओं को देने में अब आप कितने हैं, मतलब भले मुंह से मत दें, प्रतिक्रिया मतलब मुंह से बोलना ही नहीं होता, प्रतिक्रिया मतलब आपके चित्त में वृत्ति आना है, वैश्य वृत्ति का नाम है ना, फिर वृत्ति कर्म में परिणित होती है। तो आप मुंह से मत बोलो, शौर्य तेजो, कल इसकी बात हो रही थी ना, शूरता की बात, तो शूरता एक वृत्ति है, धीरता एक वृत्ति है, ब्राह्मण एक वृत्ति है, बाद में व्यक्ति है, बाद में व्यक्ति है, पहले तो वृत्ति है। वृत्ति को आने से रोक सकते हो तो रोक लो, ये चैलेंज। ना बोलना बोलना ठीक है, वृत्ति को आने से कौन रोक सकता है बताओ आप? और आप एक दूसरे को मत बताओ, अपने अपने मन में जो वृत्ति आती है, अब इस दृष्टि से आप चेक करना, ये कौन सी वृत्ति है, क्या मैं इसको आने से रोक सका? समझ में आ जाएगा ना, हम आधे से ज्यादा वृत्तियों को आने में कोई नियंत्रण नहीं, तो यहां तो आपका स्वातंत्र शून्य हो गया। ठीक है, अब कहां हमारा वश है, ये के एरिया देख लिए। स्वभाव के अनुसार जो प्रतिक्रिया आपने दी, ठीक है, ये तो एरिया आपका नहीं है। अब उस इच्छा का विरेचन, उत्सर्जन, विनियोग निषिद्ध क्षेत्र में किया जाए कि विहित क्षेत्र में किया जाए, यह आपके विवेक पर निर्भर है। कल मैं आपसे कह रहा था, समृद्धि की इच्छा कहीं किसी प्रकार से कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है फिर। समृद्धि की इच्छा कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब समृद्धि की इच्छा किस कारण से आई? स्वभाव के कारण। स्वभाव कौन सा रहा है? वैश्य। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर, दो व्यक्तियों के अंदर इच्छा आ गई कि समृद्धि होना चाहिए, धन होना चाहिए, लेकिन एक ने उसी धन के लिए अपने आप को हर्षद मेहता बना दिया, कहने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, और एक ने कहने के लिए अपना अंबानी और टाटा बना दिया। दोनों की इच्छाएं क्या थी? एक ही थी, लेकिन उनका जो विरेचन किया, जो विसर्जन किया, जो विनियोग किया, उसमें आप क्या हैं? आप फ्री हैं। चाहे आप दुष्कर्म कर लें, एक कल मैं कह रहा था, शूरता की वृत्ति से चाहे तो देश को बचा ले, वरना अपने पुरुषत्व की पहचान घर में मारपीट के करें, उसमें लगता है कि हम पुरुष हैं। व्यक्ति को ये बड़ा एहसास होता है ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां ये चीज हमने मारा तो हम पुरुष हैं, भैया कर लो आप। तो अब आप देखो, इच्छा को, प्रतिक्रिया को आने में आपका कोई नियंत्रण नहीं, एक सच्चाई हो गई, एक हिस्सा कवर हो गया, लेकिन उस इच्छा को निषिद्ध क्षेत्र में डाला जाए या विहित क्षेत्र में डाला जाए, ये आपके पूर्ण नियंत्रण में है। ये प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है। इच्छा का आना बुरी बात नहीं है, उस इच्छा का विनियोग आपने कैसे किया, अब देखो आपको दिखाए। कामना का उदय बुरा नहीं है,
अपने शास्त्र को देखो आप, कामना का उदय बुरा नहीं है। शास्त्र ने क्या कह दिया, कामना के उदय को अच्छा बनाओ। अब मन में इच्छा आ गई संतानोत्पत्ति की, कोई बुरी बात नहीं, संतानोत्पत्ति की इच्छा आ गई, काम वासना की इच्छा आ गई, तो ऐसा करो शास्त्र ने कहा इसको विहित बना दो। अब विहित बना दो क्या कर दिया, बोले गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर लो। देखो आप, तो इच्छा का विनियोग किस में हो गया, विहित। इच्छा भी है और आप विवाह भी नहीं कर रहे हैं, ना तो इस पाले में जा रहे हैं, ना तो सन्यासी लेके खत्म कर दो, आशा ही कोई ना करे आपसे, तो वो भी नहीं करना चाहते आप, तो इसका मतलब अब आप क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं अपने आप से। आश्रमों की जो व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये क्या है, ये इच्छाओं का विनियोग है। देखो तो एक बच्चा जो अभी बाहर बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हुआ हो, ऐसे बच्चे आते हैं कभी देख, उनका मन होता है कि खूब पढ़े हैं, खूब लिखे हैं, कोचिंग करें हैं, और वो इतना बेचारे थक जाते हैं कि रात में आके सो गए, फिर सवेरे चालू हो गया, तो वो कौन सा जीवन चल रहा है उनका, उनके उनको कहीं कोई विवाह की इच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही वही बच्चा थोड़ा से बड़ा हो गया तो अब उसके अंदर कौन सी इच्छा आ गई, शास्त्र ने कहा गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर लो। एक व्यक्ति है वो कहता है कि मेरा इन सब चीजों में चित्त लगता ही नहीं, मेरा एकांत में ही लगता है, पकड़ी स्वभाव करना चाहता हूं, किसी का बन के नहीं रहना चाहता और सबका बन के रहना चाहता हूं। तो बोले तुम तो किस में चले जाओ, संन्यास में चले जाओ, समाप्त करो। किस इच्छा का आदर किया, आपकी इच्छा का आदर किया। अब इसी इच्छा को आप सन्यास की इच्छा को एकांत में बैठकर कुछ और कर लीजिए, तो विहित और निषिद्ध के जो एरिए हैं उसमें जाने में आपको पूर्ण स्वातंत्र है। लेकिन स्वभाव के मामले में आपको कतई कोई स्वातंत्र नहीं है। मनुष्य प्रकृति शून्य भी नहीं है और विवेक शून्य भी नहीं है, दोनों चीजें देख लेना। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, इनकी सच्चाई देखिएगा। मैंने बोले ये तो दोनों तरह से कहा जा रहा है, मनुष्य प्रकृति शून्य भी नहीं है और मनुष्य विवेक शून्य भी नहीं है। प्रकृति शून्य नहीं है मतलब लेके तो सब कुछ आया है, कौन कहेगा कि मेरे मन में नहीं आता। अच्छा, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी जाके, ये आपको छूट है, इसका मतलब विवेक शून्य भी नहीं है। अब विवेक आपका जहां लगता है, निहित क्षेत्र में जाना विहित क्षेत्र में जाइए, निषिद्ध क्षेत्र में जाना निषिद्ध, विहित और निषिद्ध क्षेत्र में जाने का उत्तरदायी फैक्टर कौन होगा, विवेक, आपकी समझ क्या है। इच्छा तो ठीक है, इच्छा को पूरी करने की समझ कैसी है वो आपके विवेक पर निर्भर करती है। हो गया, ये श्लोक पूरा होता है। तो इच्छा के अनुसार ही विहित और निषिद्ध हो जा रहे हैं। तो एक पुरुषार्थ का एरिया हो गया, विहित और निषिद्ध क्षेत्र में जाना पुरुषार्थ हो गया, इच्छा का उदय और जो हम लोग लेके बैठे हैं ये सब किसके कारण है, ये सब प्रकृति के कारण, ये पूर्व जन्म के अर्जित संस्कार कमाई के कारण है। अच्छा, मनुष्य प्रकृति शून्य भी नहीं है, विवेक शून्य भी नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। अच्छा, जैसी जिसकी कामना वो उस ओर चला जाए और अपनी वासनाओं को क्या कर ले, क्षय कर ले। एक भी वासना ऐसी नहीं है जिसका विहित का एरिया ना होवे, एक भी वासना ऐसी नहीं है। धन कमाओ, यश कमाओ, खूब कमाओ,
भव, ये शास्त्र कहता है, लेकिन कैसे कर रहा हूं? यल्लभ से निज कर्म उपात्तम, यल्लभ से निज, देखो जी, दूसरों के पैसे से ऐश मत करो, पिता के पैसे से, माता के पैसों से, लोगों से पैसे से ऐश मत करो भैया, ये शास्त्र नहीं कहता, वो ऐश कर भी नहीं पाओगे आप। यल्लभ से निज कर्म उपात्तम, आपने जो कमाया है उससे क्या करो? वित्तम तेन विनोदय चित्तम, इंजॉय करो। शास्त्र ने कहीं मना किया? पुत्रोत्पत्ति के लिए मना किया क्या? धन के लिए मना किया क्या? यश के लिए मना किया क्या? लेकिन विहित के एरिया में जाओ, निषिद्ध के एरिया में मत जाओ। इन सब के निषिद्ध के भी एरिया हैं। हो गया, अब ये श्लोक पूरा देख लो हम। स्वभाव जिन कौंतेय, स्वभाव जे हे कौंतेय, ये व्यक्ति जो कर्म में लगा हुआ है ये किसके कारण लगा है? बोले स्वभाव जिन। स्वभाव जिन मतलब क्या हो गया? पूर्व जन्म में अर्जित कमाई। अच्छा, कर्तुम नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। देखो जी, ये तो इससे बंधा हुआ है, किससे? स्वभाव से। नहीं चाहते हुए भी इसको करना पड़ेगा। बस एक ही एरिया है, चाहे विवेक से करो चाहे मोह से करो, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, अब व्यक्ति को इतना सुनने के बाद ऐसा लगा कि बस अब कर्म ही सबसे बड़ी चीज है हमारे हाथ में। इतना सुनने के बाद क्या लगेगा कि हम किस पे ध्यान दें? कर्म के पीछे कौन है? बोले कर्म के पीछे स्वभाव है। ठीक है, यही ध्वनित होता है। भगवान ने कहा थोड़ा और देख ले, एक पक्ष और दिखा देता हूं। देखो ये श्लोक बोले कर्म के पीछे स्वभाव तो है, लेकिन उसके पीछे मैं भी हूं। देखो कहां से बाजी में, उसके पीछे मैं भी हूं, तुम अकेले नहीं हो। देखो क्या बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब पुण्यानाम पापानाम जीवः, जो पुण्य करते हैं उनके यहां भी और जो पाप करते हैं, देखो जी दोनों में, इसी को बोलते सर्वभूतानाम। मैं रहता हूं, कहां रहते हैं आप? हृदेशे, क्या करते हैं वहां? तिष्ठति, तिष्ठति मतलब संस्कृत में जो मुझे इसमें तिष्ठ जाती समझ में आई, वैसे आप जब उथली चीजें पढ़े हैं तो तिष्ठ मतलब क्या होगा? उपविषय बोलते हैं ना, उपविषय मतलब बैठना और तिष्ठ मतलब उत्तिष्ठत, खड़े होना, यही है ना। तिष्ठ मतलब यहां पर है बैठना। देखो जी क्या बोलोगे, हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति मतलब खड़े हैं, तो आपने तो तिष्ठ का अर्थ किया खड़े होना। उत्तिष्ठ चित्त में, वो हृदय में खड़े नहीं है, विठल नहीं है। जो तिष्ठ, तिष्ठति शब्द है ये स्था धातु से बना है। स्था, स्था का अर्थ है गति निवृत्तव, जहां गति शून्यता है उसको तिष्ठता बोलते हैं। गति शून्यता मतलब जहां कुछ हिलना डुलना नहीं है, जैसे अभी आप बैठे हैं तो ये क्या है? गति शून्यता है। गति शून्यता, इसलिए कौन सी धातु लगेगी? यहां स्था धातु ले, और स्था धातु से ही जो शब्द बनाए वो क्या बनाए? तिष्ठ बनाए। तो अब श्लोक देखो भाई, ईश्वरः, कौन बैठा है? बोले ईश्वर। बोले ईश्वर मतलब क्या भाई, कौन ईश्वर? ईशन शीला,
जिसके जिसका शासन करने का स्वभाव है, उसको बोलते हैं शीला, मतलब स्वभाव। जिसका शासन करने का स्वभाव है, अर्जुन सर्वभूतानाम पुण्यानाम पापानाम हृदये तिष्ठ, वो महाराज वहां पे बैठा है। हो गया, क्या करता है? अच्छा, वहां बैठ के क्या कर रहा है? ब्राह्मण किसको? ब्राह्मण मतलब घुमा रहा है, चक्कर लगवा रहा है। मतलब किसको चक्कर लगवा रहा है? सर्वभूतानि। क्या ट्रांसलेशन करोगे तुलसीदास जी के शब्दों में? उमा दारु जोषित की नाही, सबही नचावत राम गोसाई। ये ट्रांसलेशन है। उमा दारु जोषित की नाही, ये तुलसीदास जी ने इसको ट्रांसलेशन किया। भगवान शिव बोलते हैं पार्वती, जैसे कि एक, देखो बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कैसे, इसी का ट्रांसलेशन देखो। कठपुतली का खेल देखा है आपने कभी? अब तो नहीं होता, पहले बहुत होता था। उसमें दो बहनें बनी रहती थी, है ना महाराज? वो आपस में लड़ती थी, हंसती थी, बोलती थी, तो हमको क्या दिखता था कि दोनों कठपुतली आपस में क्या कर रही हैं, लेकिन कर कौन रहा था? एक पता हमारे सामने तो जो कठपुतली देखी उसमें वो हाथ अंदर से ले जाता था और फिर लड़ाता था एक दूसरे से। एक कठपुतली होती है रस्सी से बंधी रहती है, है ना, ऊपर, और वो एक दूसरे से। इसका मतलब जो वो कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, वो करवाने वाला कौन है? कोई और है। उमा दारू, दारू मतलब लकड़ी, जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। ये भगवान राम है जो सबको क्या कर रहे हैं? नचा रहे हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है। ब्राह्मण सबको भ्रमित कर रहे हैं महाराज, घुमा रहे हैं, चक्कर लगवा रहे हैं। कैसे? बोले यंत्रारूढ़ानि माया। वाह, देखो यंत्र पे आरूढ़ होके यंत्र से सबको महाराज क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। अब जरा इसको अच्छे से समझ लेना क्या कहा जा रहा है। अर्जुन का जो अर्थ है बहुत सुंदर है। देखो यहाँ पे, यहाँ इतने अध्यायों के बाद भगवान ने अर्जुन का अर्थ दिया है भाष्यकार ने। क्या अर्थ दिया जरा? शुक्ल अंत मिल रहा है, शुक्लांतर भाई कृष्ण, मतलब कृष्ण मतलब काला। काला का उल्टा संस्कृत में क्या होगा? शुक्ल, शुक्ल पक्ष। और देखो तो भाष्यकार की भाषा देखो कैसी है। कृष्ण नहीं लिखा, क्या लिखा? शुक्ल अंत, जिसका अंतःकरण बहुत शुद्ध है उसका नाम अर्जुन है। इसकी एक व्याख्या ऐसी होती, विशुद्ध अंतःकरण है इति, जिसका अंतःकरण विशुद्ध है, शुद्ध है। एक आपने इसकी व्युत्पत्ति पढ़ी, रजत्वात अर्जुन, अर्जुन का पेड़ होता है, देखा आपने कभी? सिद्धवाड़ी में भी पेड़ है राम मंदिर के आगे, एक अर्जुन का पेड़। महाराज वो सीधे जाता है एकदम, एकदम जैसे यूकेलिप्टस कोई कोई होती ना, एकदम सीधे। अर्जुन का पेड़ एकदम सीधे जाता है, सीधा मतलब जो सरल है, इधर उधर कहीं नहीं, जो कहा गया वो अपना चुपचाप काम करता है, सीधा सर। रजित्वात, उसकी चित्त की जो दशा है वो ऐसी ऐसी नहीं है, सर्प दशा नहीं है, कहे कुछ, जा कुछ, राय बोले कुछ, करता कुछ, हृदय में कुछ आता है, इसको बोलते रुजुता। रुजुता नहीं है जिसके चित्त में, उसका नाम क्या है? अर्जुन। यहां पे एक अर्थ क्या दिया? शुक्लांतःकरण मिल गया। अच्छा, अब इसको जरा और अच्छे से समझना। ये जो सटीक अर्थ है वो ध्यान रखना। त्रिगुण वासना प्रारब्ध जो कहना हो
स्वभाव से उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है। वेदांत की व्याख्या ऐसे सुनना इसकी, ईश्वर की। त्रिगुण वासना प्रारब्ध से उपहित चैतन्य, ये शब्द अब आप पहले से पढ़ चुके हैं, उपहित। उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है, जो अंतःकरण में ईश्वर बनके क्या है, बैठा है। ईश्वर कौन है? वासना उपहित चैतन्य, त्रिगुण उपहित चैतन्य, स्वभाव उपहित चैतन्य। बोले मूर्खराज, ध्यान वासना संस्कारों पे मत दो, उससे कुछ नहीं होगा। ध्यान इस उपहित चैतन्य पे दो। देखो जी, अंदर ध्यान वासना पे नहीं देना है, अंदर ध्यान संस्कारों पे नहीं देना है, अंदर ध्यान किस पे देना है? चैतन्य पे दो। वो कहां बैठा है? बोले अंदर बैठा है। हृदय का क्या ट्रांसलेशन किया भगवान ने? नहीं किया कुछ। सर्वभूतानाम सर्वप्राणायाम हृदय हृदय देशे अर्जुन शुक्लांत करण विशुद्धंता करणा अहश्च, ये ऋग्वेद में आया है, अहश्च कृष्णम अर्जुनम। भगवान बोलते मैं तो काला हूं, अर्जुन कैसा है? अर्जुन तो शुक्ल है। स कथम तिष्ठति यः ब्राह्मयन् ब्राह्मणं कार्यं सर्वाणि यन्त्रारूढानि अधिष्ठानि यथा दारुकृत पुरुषादिनि। ये तो भी आपसे बात हुई। अच्छा, खैर, अंतःकरण में, अभी इसका अर्थ गंभीर लेना, ऐसे कुछ बैठा ऐसा बन के मत कह देना। अंतःकरण उपहित चैतन्य तो नाम सुना आपने, अंतःकरण तो जड़ है, वासना तो जड़ है, त्रिगुण तो जड़ है, संस्कार तो जड़ है। वो जो संस्कारों से लिपट के बैठा है, जो त्रिगुणों से लिपट के बैठा है, ऐसे चैतन्य का नाम क्या है? ईश्वर। कहां बैठा है? बाहर नहीं, कहां बैठा? हृदय, यहां बैठा है अंदर। अर्जुन, ध्यान देना है, ध्यान देना है तो इस ओर दो। देखो जी, इस ओर दो। ईश्वर, एक एक शब्द इसका देखते जाना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन बैठा है सदैव, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मृत्यु पर्यंत तुम्हारे हृदय में बैठा है, और वही तुमको क्या कर रहा है? चक्कर लगवा रहा है। कह कौन रहा है? कृष्ण। किसके लिए कह रहे हैं? स्वयं के लिए। देखो जी, कैसे क्या उपदेश हो सकता है? कृष्ण स्वयं के लिए स्वयं को उपदेश कर रहे हैं। मैं बैठा हूं अंदर, अगर तुमने मेरी ओर ध्यान दिया तो सब बातें बन जाएंगी, वरना तुम यही वासना त्रिगुण और संस्कारों के चक्कर में क्या रहोगे, और तुमसे कुछ नहीं होगा, वो तो तुमसे बलात् काम करवा लेंगे। मेरी ओर निगाह दी। देखो जी, अगर संतों और ग्रंथों को पढ़ें तो ऐसा आता है, ईश्वर के 10 काम आपने बिगाड़ दिया हो तो ईश्वर उसको भूल जाता है। एक चौपाई, अरे रहियत चूक न उर चूक न एक ही, ऐसा एक चौपाई आती है। प्रभु के चित्त में हमारी गलतियां जो हैं वो तो वो क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन एक बार भी आपने उनको अच्छा काम कुछ उनके लिए किया है तो वो उनको जिंदगी भर याद रहता है। ये है ईश्वर। देखो, अगर उनके लिए कुछ अच्छा किया है तो जिंदगी भर याद रहता है, और उसका वो कर्जा चुकाते रहते हैं। भाई देखो, आप कभी कभी दीपक, कुछ पागल लोग ऐसे दिखाते हैं कि संभवतः उनकी आंख नाक कान तक ले आते हैं, तो अब उससे उनको जलन हो रही होगी नहीं हो रही होगी? आपके नाक कान तक कोई इसमें लगा दे तो जलन होगी कि नहीं होगी? कोई कोई, मैंने आपसे पहले बोला,
कोई कोई टीका ही ऐसा लगाते हैं कि वो जो टीका था वो मत्थे से कहाँ पे आ गया, आंख के बीचों बीच आ गया। मंदिरों में भी देखना, वो जो सफेद पुतलियां हैं वहां पे घुसा पड़ा है टीका, तो कष्ट नहीं हो रहा होगा, कष्ट नहीं हो रहा होगा। फिर वो जो लाल चुनरी है 24 घंटा जो उड़ा के रखी आपने, तो वस्त्र समर्पयामी यदि किया है तो फिर वस्त्र ऐसा देवे जो उनको कम से कम चुभे तो नहीं। इतना होने के बावजूद भी आपने उनको जला भी दिया हो, संभवतः गिरा भी दिया हो, वो सब चीजों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आपने उनको एक बार अच्छे से कुछ दिया है, वो उनको जिंदगी भर क्या रहती है। एक चौपाई की एक शब्द याद आया था मुझे, इसमें रहती करती सुरती, चौपाई याद है मिश्रा जी द्वय? हाँ, तो एक तो इतने चौपाई का अर्थ देख लो पहले, रहती ना मतलब एक बार भी गलती हो गई तो वो तो आपको क्या कर दिया, उन्होंने बुला दिया। लेकिन और आपने जो अच्छा किया वो कितनी बार याद करते हैं पता है? 100 बार। देखो जी 100 बार रहती करती सुरती, देखो जी स्मरण करते रहते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया है अच्छा काम। ये कौन है? यही है हृदयशी अर्जुन तिष्ठते, ये महाराज आपको सदैव याद करते रहते हैं कि आपने उनके लिए बड़ा अच्छा अच्छा काम। लेकिन अब हम उनकी ओर नजर नहीं डालें तो अब किसका दोष है आप बताओ? सिर्फ नजर वासना पे ही डालें, संस्कार पे ही डालें, स्वभाव पे डालें तो मिलेगा क्या? कुछ कर लोगे क्या? कुछ कर लोगे क्या? कुछ नहीं कर लोगे, जान लोगे और क्या होगा। इसलिए ध्यान वासना उपहित चैतन्य पर जाए, ध्यान त्रिगुण उपहित चैतन्य पर जाए, ध्यान स्वभाव उपहित चैतन्य पर जावे, ये दृष्टि होनी चाहिए। भ्रामयन, भ्रामयन क्या करते हैं? भ्रमणम कारयन, सबको घुमा रहे हैं, सबको घुमा रहे हैं, क्योंकि हृदय तो सभी के पास है और हृदय में वो सबके पास बैठे पड़े हैं, तो एक एक व्यक्ति को यहां पे घुमा रहे हैं। सोचो आप, यंत्रारूढ़ानी, भाष्यकार देख तो कैसे लिखते हैं, यंत्रारूढ़ानी यंत्राणी आरूढ़ानी अधिष्ठितानी। अब ये यंत्र क्या है? अंतःकरण। आपके पास यंत्र क्या है? अंतःकरण, उसका जो अधिष्ठान है, अंतःकरण का जो अधिष्ठान है वह मैं हूं, अंतःकरण में नहीं हूं। अंतःकरण में तो सब मसाला भरा हुआ है, लेकिन अंतःकरण जिस पे टिका है वह कौन है? वह मैं हूं। यंत्राणी आरूढ़ानी अधिष्ठितानी इव इत इत इव शब्द अन्न द्रष्टव्य। जैसे कि अब देखो दृष्टांत दे, यथा दारुकृत पुरुषादीनी, जैसे दारुकृत मतलब लकड़ी की कठपुतली, पुरुषादीनी लकड़ी का, लकड़ी की कठपुतली होवे और कोई पुरुष उनको क्या कर रहा है, चला रहा है, इसी तरीके से हम सभी भी अब क्या हुए, फिर कठपुतली हुए, चलाने वाला कौन है? वो। तो अगर अब दृष्टि डालनी है तो वासना संस्कार पे न डाल के जो हमको चला रहा है उससे प्रार्थना की जाए कि हमारे इस वासना संस्कारों को क्या करो, आप थोड़ा बदल दो, थोड़ी हमारी दिशा क्या कर दो, तो संभव है कि आपकी जो दिशा है वो क्या कर सकता है, वो तो वह क्षेत्र में लगा के उसकी प्रेरणा भी कौन देगा? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर प्रेरक, उर मतलब अंतःकरण, अंतःकरण को प्रेरणा देने वाला कौन होगा? वही होगा। तो वह प्रेरणा देकर मुझको कहीं सही जगह क्या कर सकता है, लगा सकता है, तो हमारा काम। तमेव शरणम गच्छ, देखो भगवान कैसे अपने लिए अपना उपदेश कर रहे हैं,
तम एव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में है? जो अंतःकरण अधिष्ठान बन के बैठा है। सर्व भावेन, सब भावों से होकर जाओ। तत् प्रसादात पराम शांतिम, उसी के प्रसाद से। देखो जी, ये शब्द पहले भी आया था ना, शाश्वतम। कहाँ आया था ये शब्द? इसका संतों ने एक बड़ा अच्छा, स्वामी जी लोगों ने अर्थ किया, संभव हो मान लो कोई पद शाश्वत होवे और अव्यय होवे लेकिन वहां शांति ना हो, तो ऐसा पद दे दिया जाए जो शाश्वत है। शाश्वत है मतलब सदैव के लिए ले जाओ, अव्यय है, उसमें तुमसे कभी कोई कमी नहीं की जाएगी, लेकिन वो शांति वाला ना हो तो। तो इसलिए देखो, भगवान ने तुरंत यहां सुधार कर लिया। क्या बोलते हैं? शांतिम। देखो तुरंत जोड़ दिया आगे शब्द, देख शांतिम। सबसे बड़ी चीज है चित्त में शांति का आना, वो तुमको प्राप्त हो जाएगी। स्थानम प्राप्स्यसि, और जो शाश्वतम शब्द वो पहले वाला ही लिया है, क्योंकि शांति यदि अशाश्वत शांति मिली, अशाश्वत मतलब शांति मतलब थोड़ी देर के लिए, तो क्या करोगे उस शांति का? अभी जो हम लोग बैठे हैं ये शांति कैसी है? अशाश्वत। ये तो डेढ़ घंटे के लिए शांत है ना, उसके बाद तो फिर उपद्रव चालू है। तो ऐसी शांति, तो इसलिए इन सभी शब्दों का एक एक अर्थ है। शांतिम स्थानम प्राप्यसी, ऐसे पद को प्राप्त करोगे जहां शांति होवे, सबसे बड़ी चीज है। और देखो, शांति होगी तो सुख जरूर होगा। अशांतस्य कुतः सुखम, जहां शांति है वहां सुख है, जहां सुख है वहां शांति होवे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो शांति भी प्राप्त करोगे, और कैसी शांति? शाश्वत शांति प्राप्त करोगे। कैसे करोगे? प्रसादात। ये देखो, वो तर्क नहीं छोड़ा है, वो हेतु नहीं छोड़ा है। देने वाला कौन होगा? तुम्हारे कर्म नहीं, मत प्रसादात, मैं तुमको दूंगा। देखो जी, तत् प्रसादात पराम शांतिम, कैसे करूं? गच्छ, गच्छ, गच्छ मतलब जाओ, जाओ। किसके पास जाऊं? तमेव। बस एक बात याद रख लेना अर्जुन, बहुत बड़ा शब्द है, देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, भावों में कलुषता हुई तो कहीं के नहीं रहोगे, पटक दिए जाओगे, ये याद रख लेना। भावों में रंच मात्र कलुषता हो गई, और हम लोग भावों के ही छलिया हैं। हाथ जोड़ सकते हैं, पैर जोड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन भाव, अब वो भाव एक ऐसी चीज है कि जो दिखता तो वो तो अंदर है। अगर तुमने नाटक किया कुछ, अंदर छल कपट दुराव छिपाव लाया, तो अर्जुन कहीं के नहीं रहोगे। कितनी सुंदर साधना है, कुछ नहीं मांगा है। इस श्लोक में देखो तो कुछ साधना ही, गच्छ जाओ, पर लेके क्या जाओ? सुंदर सुंदर पूजित भावों को लेके जाओ। कैसे भाव? सर्व भावेन। तब जाके मत प्रसादात, फिर मेरे प्रसाद से तुमको क्या मिलेगी? शांति। और कैसी शांति? शाश्वत शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।